नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमित। स्वागत है आप सबका डिफेंस डिकोड पे। और इस वीडियो में बात करने वाले हैं भारत के सैटेलाइट्स के बारे में। तो जी हां दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते होंगे, आपने एक खबर सुन ली होगी कि भारत ने आज ही अपना नौवा कार्टोसैट सैटेलाइट कार्टोसैट 3 उसको सफलतापूर्वक प्लेस कर दिया है। तो इसी बारे में बात करने वाले हैं कि भारत के पास किस तरह के और कितने मिलिट्री सैटेलाइट्स अभी फिलहाल हैं जो वर्किंग हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि पूरी दुनिया में तकरीबन अर्थ के अराउंड 900 प्लस सैटेलाइट घूम रहे हैं, और जिसमें से तकरीबन 350 ऐसे सैटेलाइट हैं जिनको ड्यूअल पर्पज या फिर डेडिकेटेड मिलिट्री वर्क के लिए यूज किया जा रहा है। और इन 350 मिलिट्री सैटेलाइट्स में से जो आधे सैटेलाइट्स हैं वो यूएस के सैटेलाइट्स हैं, और बाकी के रशिया, चाइना और इंडिया के हैं। तो इंडिया के अब तकरीबन 15 या 16 मिलिट्री सैटेलाइट्स हो चुके हैं, जिनमें से कुछ ऐसे हैं जो कि ड्यूअल पर्पज के लिए भी हैं। और इन सभी की देखभाल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की नोडल एजेंसी इंटीग्रेटेड स्पेस सेल करता है, जो कि इंश्योर करता है कि जो भी स्पेस में आपके सैटेलाइट्स हैं, चाहे वो मिलिट्री यूज के हो या फिर सिविल यूज के हो, वो सभी सेफ रहें। अगर बात करते हो टेक्नोलॉजी एक्सपेरिमेंटल सैटेलाइट की TES की, तो ये भारत का पहला ऐसा सैटेलाइट था जो कि 1 मीटर की रेजोल्यूशन वाली इमेज को कमर्शियली लोगों के लिए ऑफर करता है। और यूएस के बाद भारत दूसरी ऐसी कंट्री है। तो यहाँ पे आप रेजोल्यूशन को समझ लो, क्योंकि ये आगे बहुत फ्रीक्वेंटली आएगा। तो जैसे कि मान लो कोई क्रिकेट ग्राउंड है और उसको आपको सैटेलाइट से देखना है, और आपका जो सैटेलाइट है और उसका जो सेंसर है, उसके सेंसर का जो रेजोल्यूशन है वो अगर 100 मीटर का है तो वो आपके पूरे ग्राउंड को एक पिक्सल के रूप में देखेगा। जैसा कि आप सब जानते ही होंगे कि जितने भी इमेज होते हैं वो बहुत सारे पिक्सल से मिलकर बनते हैं। तो जब आप 100 मीटर के रेजोल्यूशन वाले सैटेलाइट से देखते हो तो पूरा ग्राउंड आपको सिर्फ एक पिक्सल में दिखेगा, जिसका मतलब यह है कि उस ग्राउंड पे क्या क्या चीजें हैं वो आपको पता नहीं चल पाएंगी। ग्राउंड को 4 भागों में बांट दोगे, मतलब 4 पिक्सल में, तो थोड़ी क्लियरिटी बढ़ेगी। इसी तरह उस ग्राउंड की मैपिंग के लिए जितने आप पिक्सल बढ़ाओगे तो आपकी जो क्वालिटी है इमेज की वो बढ़ जाएगी। तो हमने जो कार्टोसैट 3 लॉन्च किया है, इसके जो पिक्सल का साइज है वो 0.25 मीटर है, मतलब 0.25 मीटर के स्क्वायर का डायमेंशन एक ग्राउंड पे बना सकता है, जो कि एक पिक्सल का साइज होगा। इस तरह के बहुत सारे स्क्वायर्स को मिलाकर ये एक कम्प्लीट इमेज बनाएगा, जो कि एक क्लियरली दिखाता है कि आपके ग्राउंड में कितने लोग बैठे हैं, आप उनको भी देख पाओगे। तो ये तो रही बात स्पेशल रेजोल्यूशन की। अब बात करते हैं कौन कौन से सैटेलाइट्स हैं जो कि भारत के आर्म्ड फोर्सेस को असिस्ट करते हैं। तो आपका पहला हो गया RESAT-2, जो कि रडार इमेजिंग सैटेलाइट है, और ये वही सैटेलाइट है जिससे हमने पता लगाया था अभी जो एक्सीडेंट हुआ था AN-32 का, जो एयरक्राफ्ट था आपका मीडियम लिफ्ट एयरक्राफ्ट अरुणाचल में जिसका एक्सीडेंट हुआ था, तो हमने इसी सैटेलाइट का यूज करके पता लगाया था उसका। और इसमें जो रडार लगा है वो सिंथेटिक अपर्चर रडार है, और सिंथेटिक अपर्चर टेक्नोलॉजी क्या होती है इसको मैं डिटेल में कवर कर चुका हूँ कि किस तरह से अपर्चर के साइज को चेंज किया जाता है। और जो RESAT-2 था वो भारत का पहला ऐसा सैटेलाइट था जो कि सिंथेटिक अपर्चर रडार यूज करता है, और ये सैटेलाइट भी आपको 1 मीटर वाले जो रेजोल्यूशन है उसे ऑफर करने में सक्षम है। और जो आपको इमेज ऑफर होगी वो हर वेदर कंडीशन में, दिन हो या रात, ये सभी कंडीशन में ऑफर करने में सक्षम है, क्योंकि ये माइक्रोवेव लेंथ स्पेक्ट्रम का यूज करता है। अब बात करते हैं कार्टोसैट सैटेलाइट की। तो ये भारत के IRSP यानी कि इंडियन रिमोट सेंसिंग प्रोग्राम का ही पार्ट है, और इसे पर्टिकुलरली यूज किया जाता है रिसोर्स मैनेजमेंट और डिफेंस सर्विसेज के साथ साथ मॉनिटरिंग करने के लिए। और इसका जो पहला सैटेलाइट था कार्टोसैट 1, वो 2005 में लॉन्च किया गया था PSLV-C6 के द्वारा, और इसके द्वारा ली गई जो इमेज है वो सबके लिए अभी अवेलेबल है। आप देख सकते हो GOI पे कार्टोसैट 1 दो पैनोरमिक कैमरा का यूज करता है, मतलब वो कैमरा जो कि वाइड एंगल फोटोग्राफी के लिए यूज किए जा सकते हैं, और ये EM वेव के विजुअल स्पेक्ट्रम में काम करते हैं, और ये ब्लैक एंड व्हाइट पिक्चर ऑफर करते हैं जो कि स्पेशल रेजोल्यूशन 2.5 मीटर का है। तो क्लियरली उतना हाई रेजोल्यूशन का नहीं है अभी ये, क्योंकि इसे बहुत पहले 2005 में लॉन्च किया गया था। बात करते हैं कार्टोसैट 2 की। इसे 2007 में लॉन्च किया गया था PSLV-C7 के थ्रू। तो इसके पास भी पैनोरमिक कैमरा है, और ये कैमरा तकरीबन 9.6 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करता है एक बार में, और जो रेजोल्यूशन ऑफर करता है आपको वो 1 मीटर की होती है। तो इस सैटेलाइट के हेल्प से आप डिफरेंशिएट कर पाते हो कि किस तरह की इंफ्रास्ट्रक्चर कौन से एरिया में है। बात करते हैं कार्टोसैट के अगले सैटेलाइट की, तो वो है आपका कार्टोसैट 2A, जिसे 2008 में PSLV-C9 ने लॉन्च किया था, और ये स्पेशली डेडिकेटेड है इंडियन आर्म्ड फोर्सेस को, जो कि मोर स्पेसिफिक एरिया के इमेजिंग के लिए डेडिकेट किया गया है। बात करते हैं अगले सैटेलाइट की, तो वो है कार्टोसैट 2B, जिसे लॉन्च किया गया था 2010 में PSLV-C15 के द्वारा। तो इन सभी के पास पैनोरमिक कैमरा है, और ये सभी आपको ब्लैक एंड व्हाइट पिक्चर अभी ऑफर कर रहे हैं, और जो कार्टोसैट 2B है वो थोड़ा फ्रीक्वेंट है इमेज लेने में। बात करते हैं कार्टोसैट 2C की। तो कार्टोसैट 2C में जो इसका रेजोल्यूशन है वो 10 इंच का है। इस सैटेलाइट का जो वेट है उसे भी रिड्यूस किया गया है। इसे 2014 में लॉन्च किया गया था PSLV-C34 के थ्रू, और अब जब इसका रेजोल्यूशन काफी हाई है तो इसको कुछ स्ट्रेटेजिक एप्लीकेशन में भी यूज किया जाता है। बात करते हैं कार्टोसैट 2D की, जिसे 2017 में लॉन्च किया गया था PSLV-C37 के थ्रू। उसी प्रकार आपके कार्टोसैट 2E है और कार्टोसैट 2F है, और 2F के बाद आज ही लॉन्च किया गया है आपका कार्टोसैट 3, जो कि ऑफर करने जा रहा है 0.25 मीटर का ग्राउंड रेजोल्यूशन।
और ये जो 0.25 का ग्राउंड रेजोल्यूशन है ये आपको ऑफर करेगा एक ही बार में 16 किलोमीटर को कवर करते हुए। और इतना ही नहीं, जब ये रेजोल्यूशन कवर कर रहा होगा तो ये रेजोल्यूशन आपको चार बैंड में दे रहा होगा। कहने का मतलब ये है कि अगर आप ऊपर से देख रहे हो, नीचे एक फील्ड है और एक फील्ड में ग्रास लगा हुआ है और एक दूसरे फील्ड में सिंथेटिक ग्रास लगा हुआ है, तो अगर आप ऊपर से देखोगे तो आपको दोनों कलर सेम ही दिखेंगे क्योंकि दोनों ग्रीन है। तो डिफरेंशिएट करने के लिए आप डिफरेंट बैंड में शिफ्ट कर सकते हो। तो इस तरह के चार बैंड आपको ऑफर करता है, तो वो बैंड कुछ भी हो सकता है, चाहे वो एल होगा या फिर एस होगा। तो इस तरह के चार बैंड में मल्टी स्पेक्ट्रल मोड ये ऑफर करने में सक्षम है। और इतना ही नहीं, कार्टोसैट 3 इसके पास MWIR कैमरा भी है जो कि मीडियम वेवलेंथ इंफ्रारेड कैमरा के लिए स्टैंड करता है। और इस बारे में मैं अपने प्रीवियस वीडियो में डिटेल में बात कर चुका हूँ कि MWIR क्या होते हैं, SWIR क्या होते हैं और LWIR क्या होते हैं। तो इन सभी को मैं डिफरेंशिएट ऑलरेडी कर चुका हूँ। तो बेसिकली जो भी आपके मिड वेव इंफ्रारेड होते हैं वो ऑपरेट करते हैं 3 माइक्रोमीटर से लेकर 5 माइक्रोमीटर के बीच में, मतलब ग्राउंड पे कौन सी चीज कितना गर्म है और कितनी थर्मल एनर्जी एमिट कर रहा है उसको ये स्पेस से डिफरेंशिएट करने में सक्षम है। जिसका मतलब आप ये समझ सकते हो कि बालाकोट स्ट्राइक के बाद हमने जब स्पाइस मिसाइल गिराई तो उससे किस तरह के डैमेज हुए उसको अब हम अपने बूते पे असेस कर सकते हैं, क्योंकि इससे पहले इस तरह के असेसमेंट के लिए हम दूसरी फ्रेंडली कंट्रीज से हेल्प ले रहे थे कि किस तरह का हीट सिग्नेचर वहाँ पे है। अब हम ये काम खुद ही कर सकते हैं। वहीं पर कार्टोसैट 3 में कुछ नए इम्प्रूवमेंट्स किए गए हैं और इसके अब सिस्टम अपने डेटा को एक हायर रेट पे ट्रांसफर करने में सक्षम है। तो क्लियरली कार्टोसैट 3 में 3 तरह के इक्विपमेंट है आपके। पहला हो गया आपका पैनोरमिक कैमरा, दूसरा हो गया आपका MX जो कि मल्टी स्पेक्ट्रल मोड ऑफर करेगा, और तीसरा हो गया आपका MWIR। तो ये 3 तरह के इक्विपमेंट ये ऑफर कर रहा है जो कि भारत के जो आर्म्ड फोर्सेस हैं उनको काफी क्लोजली असिस्ट करने जा रहा है। और इसे भी लॉन्च किया गया है PSLV XL से। बात करते हैं अगले मिलिट्री सैटेलाइट की, तो वो है GSAT-7 जिसे 2013 में लॉन्च किया गया था और ये इंडियन नेवी के लिए डेडिकेटेड काम करता है, जो कि नेवी के वॉरशिप्स जो कि इंडियन ओशन रीजन में ट्रेवल कर रहे होते हैं तो उनको ये रियल टाइम कैपेबिलिटी प्रोवाइड करता है। मतलब नेवी को लेके जो भी नेटवर्क सेंट्रिक काम करने हैं उनमें हेल्प करता है आपका GSAT-7। बात करते हैं अगले मिलिट्री सैटेलाइट की, तो वो है HYSYS जो कि एक डुअल यूज सैटेलाइट है जिसे 2013 में लॉन्च किया गया था और इसमें भी 2 इक्विपमेंट दिए गए थे। पहला आपका हो गया VNIR मतलब विजुअल नियर इंफ्रारेड, और दूसरा आपका हो गया SWIR मतलब शॉर्ट वेवलेंथ की जो भी इंफ्रारेड है उसको लेके जो इमेजिंग करनी होती है वो ये चीज़ करता है। और ये भी सैटेलाइट नेवी के लिए डेडिकेटेड था। तो बात करते हो GSAT-7A की, जो कि एयरफोर्स के लिए डेडिकेटेड सैटेलाइट है जिसे 2018 में लॉन्च किया गया था और एयरफोर्स के लिए जो भी नेटवर्क सेंट्रिक वॉर कैपेबिलिटी है ये उसमें हेल्प करता है, चाहे एवेक्स सिस्टम से कम्युनिकेशन को लेके हो या फिर ग्राउंड बेस्ड जो मिशन कंट्रोलर्स हैं उनसे कनेक्शन को लेके हो। तो ये इन सभी रूपों में इंडियन एयरफोर्स की हेल्प करता है। वहीं पे जो भी आपके UAV होंगे वो इसी सैटेलाइट के थ्रू कंट्रोल किए जाएंगे। बात करते हो अगली मिलिट्री सैटेलाइट की, तो वो है आपका AMISAT जो कि एक रिकॉग्निशन सैटेलाइट है जिसको अभी हाल ही में जून में लॉन्च किया गया था और ये भारत को जो इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस है वो प्रोवाइड करेगा स्पेस से। तो बेसिकली आपके दुश्मन के रडार की क्या पोजीशन है वो आपको ये डिटेक्ट करके देगा। तो कहने का मतलब ये है कि चाइना का JY-27 पाकिस्तान कैसे पहुंचा ये आपसे पहले सैटेलाइट के जो भी कंट्रोलर्स हैं यानी कि इंडियन आर्म्ड फोर्सेज उनको पहले से पता है। तो ये था कुछ ऐसा प्रयास जहां पे मैंने कवर किया है कि भारत के जो भी सैटेलाइट हैं जो कि मिलिट्री या फिर आर्म्ड फोर्सेज के लिए हेल्प कर रहे हैं उनको कवर किया जाए। बढ़ते हैं अगले अपडेट की तरफ, तो वो है तेजस को लेके। तो दिल्ली डिफेंस रिव्यू की एक रिपोर्ट की माने तो तेजस में जो गन लगा है GSS-23 जो कि ट्विन बैरल 21mm ऑटो कैनन गन है और इसे लोकली मैन्युफैक्चर किया गया है ऑर्डिनल फैक्ट्री के द्वारा। तो इस गन के ट्रायल 2020 के शुरू में ही कंडक्ट किए जाएंगे जो कि भारत के LCA तेजस मार्क 1 के LSP-7 वहां से कंडक्ट किए जाएंगे। तो ये इसके इंटीग्रेशन ट्रायल है कि इंटीग्रेट होने के बाद ये टारगेट को किस तरह से हिट करता है। वैसे तो टारगेट को हिट करना और ना हिट करना वो कम्प्लीटली डिपेंड करेगा आपके पायलट की कैपेबिलिटी पे। बात करते हैं तेजस को लेकर अगले अपडेट की, तो वो है इसके ट्विन रेल पायलन के बारे में। तो इसके लिए ट्विन रेल पायलन जो कि एयर टू एयर मिसाइल को कैरी करेगा वो अभी डेवलप किया जा रहा है। वहीं पर तेजस के लिए जो इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम होगा EW पॉड वो भी डेवलप किया जा रहा है और इसके बारे में अपने प्रीवियस वीडियो में मैं बात कर चुका हूँ जहाँ पे मैंने HBJ के बारे में बात किया था कि तेजस के लिए भी उस तरह का सिस्टम डेवलप किया जा रहा है। तो इस चीज़ का कंफर्मेशन मिल चुका है। तो तेजस से जुड़े इस रिपोर्ट के बारे में अगर आपको और पढ़ना है तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दूंगा। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद।